हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग मुलाकात कराते हैं हमारे टॉप 10 क्लासेस के माध्यम से जो पढ़े गए स्टूडेंट हैं, जो कि हमारे क्लासेस और हमारे जो इस चैनल के माध्यम से पढ़ी हैं वो टॉप की हैं, तो उनसे मुलाकात कराते हैं। तो हेलो, आपका नाम क्या है भैया? हेलो सर, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम श्वेता यादव है। आप अपने बारे में बताइए, एड्रेस बताइए अपना। मेरा नाम श्वेता यादव है। मेरे पिता का नाम श्री मालिकराम यादव है। मेरी माता का नाम श्रीमती सुषमा देवी है। मेरा गांव बसड़ुआ बिलासिन मछली शहर। तो आपका जब रिजल्ट आया तो कैसा लगा कि रिजल्ट के बारे रिजल्ट को देख कर या रिजल्ट का देखने के बाद आपका रिएक्शन क्या रहा, आपके फ्रेंड का रिएक्शन क्या रहा, आपके रिश्तेदारों का रिएक्शन क्या रहा? पहले तो जब हमारा रिजल्ट आया तब हम सुने तब हमें अच्छा महसूस हुआ कि चलो इतना अच्छा नंबर आया है। फिर जब अपने दोस्तों से पूछे तो उन्होंने बताया कि उनका भी इतना नंबर आया, अच्छा लगा। हमें अपने मम्मी पापा को बताया, हमारे मम्मी पापा भी खुश हुए और सभी दोस्त भी खुश हुए हमारे। हमारे स्टूडेंट जानना चाहते हैं, जो इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि आप कितना घंटे पढ़ाई करती थी और कैसे ये सब घर का काम भी था, उसी में स्कूल था, कोचिंग था, सबको कैसे मैनेज करती थी और कितना टाइम निकाल पाती थी अपने लिए पढ़ने के लिए, वो बताइए। हम सच्चाई बताएं तो अक्सर हम केवल स्कूल में पढ़ाई करते थे और कोचिंग में जो पढ़ते थे वो पढ़ते थे और वही इनके क्लासेस जो देखते थे वही देखते थे। उसके बाद अपने आप से सेल्फ स्टडी हम ज़्यादा एक घंटे दो घंटे ज़्यादा नहीं करते थे। क्या लगा आपको कि इतना पढ़ रहे हैं जितना पढ़ रही थी उस समय, कैसा मार्क्स आएगा? क्या आपको डर लगता था कि हम जितना पढ़ रहे हैं इतना पढ़ाई करने से इतना मार्क्स आने वाला है? डर तो हमेशा लगता था, पता नहीं कैसा आएगा रोल नंबर। जैसे कि हमें ये केमिस्ट्री में बहुत कम समझ आता था, केमिस्ट्री हमारा बहुत ही वीक थी। जब पेपर देने जानते थे उससे पहले ही मतलब देखते थे वीडियो केमिस्ट्री का, हर सब्जेक्ट का वीडियो देख लेते थे और जब पेपर दे के आते थे तब डर लगता था कि पता नहीं कैसा नंबर आएगा कैसा नहीं आएगा। जब आपने देखा कि आपका जो है रिजल्ट 81% आया है तो कैसा लगा है, कैसा आप फील कर रही थी कि हमारा 81% नंबर आया है, मैंने कॉलेज में टॉप किया है, तो आपको कैसा लगा? 81% आया है तो कुछ अच्छा लगा, थोड़ा थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन जब ये सुने कि हमने कॉलेज में टॉप किया है तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि हम जब वहाँ पे नाम लिखाए थे तभी से हमारी इच्छा थी कि हम माता पिता कॉलेज में एक बार टॉप करें और तब हमें बहुत अच्छा फील हुआ। आपका जो रिजल्ट आया है, जो आपने 81% नंबर पाया है, क्या आप उस रिजल्ट से सहमत हैं या और बेस्ट होना चाहिए था आपके हिसाब से? हम थोड़ी सी और मेहनत करते तो हमारा और बेस्ट होता, लेकिन हम उससे खुश हैं क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर देने के बाद हमें थोड़ी सी हिचकिचाहट थी कि पता नहीं कितना नंबर हमारा आएगा, और 81% सुनने के बाद हमें अच्छा लगा कि इतना नंबर आया हमारा। आप अपने टीचर को क्या कहना चाहेंगी? मतलब हमारे टीचर ने हमारी बहुत मदद की, सभी टीचरों ने, हम उन्हें धन्यवाद देना चाहेंगे। आप इसका श्रेय किसको देना चाहती हैं, जैसे कि जो आपका इतना परसेंटेज आया, 81% आया, हर एक सब्जेक्ट में अच्छा मार्क पाई है, तो इस सब का श्रेय आपको किसको देना चाहती हैं? इसका श्रेय सबसे पहले हम अपने माता जी को देना चाहेंगी जो यहाँ पर मेरे साथ बैठी हुई हैं, और उसके बाद अपने टीचरों को देना चाहेंगे जिन्होंने हमें बताया कि ऐसे ऐसे मतलब ये सब पढ़ो, ये सब इम्पोर्टेंट है, और टॉप 10 क्लासेस को देना चाहेंगे जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस दिलाए हमें, जिनसे हमने ऑनलाइन क्लास लिया। अब आप भविष्य में क्या बनना चाहती हैं या भविष्य में क्या करना चाहती हैं? हम भविष्य में पहले तो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, उसके बाद या तो इंजीनियर बनना चाहते हैं या IAS बनना चाहते हैं। मतलब आपका उद्देश्य है IAS बनना चाहते हैं? IAS बनना चाहते हैं। IAS बनके क्या करना चाहते हैं? समाज सेवा करना चाहते हैं। तो आपसे बच्चे जानना चाहते हैं, जो टॉप 10 क्लासेस के माध्यम से जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो कि आगामी परीक्षा देंगे आने वाले समय का, जो एग्जाम देंगे, इंटर का हो गया, हाई स्कूल का हो गया, वो लोग जानना चाहते हैं कि परीक्षा के समय बहुत तनाव हो जाता है, तो आप अपने आप को कैसे हैंडल किया है, आपने अपने अपने तनाव को कैसे दूर किया और उसमें तैयारी कैसे की है, बताइए हमारे। जब हमने सुना कि हमारा पेपर 24 मार्च से स्टार्ट होने वाला है तब हमें थोड़ी सी तनाव महसूस हुआ, और पेपर का समय जैसे जैसे नज़दीक आता गया उसे तनाव बढ़ता भी गया, लेकिन हमने अपने आप को संभाला। हमारी माता जी बोलती थी कि तनाव लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, पहले पढ़ाई करो, बस पढ़ाई पे ध्यान दो। हमने वही किया, हमने केवल पढ़ाई पे ध्यान दिया बस। जो इस समय लाखों छात्र छात्राएं तैयारी कर रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहती हैं कि आप इस हिसाब से तैयारी करिए, आप इतना टाइम दीजिए पढ़ने के लिए, आपका परसेंटेज ऐसा आएगा जैसे आपने तैयारी की है, बताइए।
हम सभी बच्चों से यही कहना चाहेंगे कि आप स्टार्टिंग से तैयारी करिए, शुरुआत से ही तैयारी पे ध्यान दीजिए। आप ये नहीं कि 6 घंटे 8 घंटे पढ़ाई करिए, आप केवल 2 घंटे भी पढ़ेंगे तब भी बहुत है, लेकिन आप शुरुआत से पढ़ाई करिए। और हाँ, जब मतलब पढ़ाई करते वक्त अपना ध्यान पूरा अपने पढ़ाई पे फोकस करिए और कहीं की बातें मत सोचिए। आप कॉलेज भी डेली कॉलेज भी जाइए, कोचिंग भी, और आप डेली पढ़ाई करिए। ये नहीं कि एक दिन पढ़ाई करें एक दिन ना पढ़ाई करें, और पढ़ाई करते वक्त अपना फोकस पूरा अपने पढ़ाई पे दीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, ये जो हम लोग का टॉप 10 क्लासेस चैनल है, ये आपका जो है परसेंटेज लाने में या फिजिक्स सिलेबस कर लिया जाए या अन्य सब्जेक्ट कर लिया जाए, आपको क्या कितना मदद किया, कैसे मदद किया, आपका परसेंटेज कैसे आया, बताइए हमारे स्टूडेंट को। टॉप 10 क्लासेस से हमने फिजिक्स के लेक्चर देखे थे और फिजिक्स में हमारी बहुत मदद की थे, जो क्वेश्चन बताते थे सर, और भी सब्जेक्ट मतलब और भी जो टॉपिक्स बताते थे बहुत ही अच्छे थे और हमारी बहुत मदद की है। आपने भी इतना अच्छा रैंक आपने प्राप्त किया है, आपकी भविष्य उज्जवल हो, आपकी भविष्य का हम लोग जो उज्जवल भविष्य का कामना करते हैं।